everyone. Good morning to one and all. I am Ritu Sharma and I welcome you all in today's editorial session. So first of all, my voice may be like cluttering because of my bad throat. So bear with me. And aapka editorial session aaj bhi main lene wali hu. So I am also like putting my efforts. I know people are discouraging it, disliking it, right? So yahan pe koi aapka ye comparison platform nahi hai. In case aapko samajh mein nahi aata hai, to aap mujhe comment karo ki samajh mein nahi aaya, dislike main isliye kar raha hu. Otherwise you are disliking it, koi fayda nahi hai. You are just wasting your time and your energy, right? So I am also putting my effort and waking up early, which is not my thing, and preparing for this editorial. This is a very hard work, and people instead of appreciating it is criticizing it. I don't bother about it, right? But genuinely, as a person, as a human being, आपको ये suit नहीं करेगा कि आप किसी की मेहनत को बेवजह ही आप उसे criticize कर रहे हो, right? But कोई बात नहीं, हम आज editorial अपना session start करते हैं. कल का आपका editorial नहीं हो पाया था, right? Due to my bad health, right? So यहाँ पे आज हम अपने editorial session के साथ आते हैं. मैंने आपको बताया था budget पेश हो चुका है. उसके बाद जितने भी आपके exam, जितने भी आपके newspapers आते हैं, they are very 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 important, right? So हम start करते हैं without editorial session, without wasting further time. And next today's motivation पे आते हैं. आज के लिए आपके लिए जो quote है, that is, umbrella can't stop the rain but make us stand in rain, right? Confidence may not bring success but gives us power to face any challenge in life, right? So यहाँ पे umbrella का example लिया गया है कि obviously बात है, बारिश को थोड़ी रोक सकता है ना, बारिश थोड़ी खत्म कर सकता है, but हमें protect कर सकता है एक तरह से. इसी तरह से confidence आपको success नहीं दिलाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए success के लिए, but अगर आपके पास confidence है तो you can face any challenge. बाकी के जितने भी challenges आएंगे रास्ते में, वो आप challenge face कर सकते हो. So always be confident. मैं हमेशा कहती हूँ दो ही चीज़ें हमेशा काम आती है, एक आपकी practice और दूसरा आपका confidence, right? जितना आप practice करोगे चीज़ों का, जितनी आप और confidence रखोगे कि yes, अब आपने practice sufficient कर ली है, अब मैं exam देने के लिए लायक हूँ और मैं अच्छे से एग्जाम क्रैक कर लूँगा, right? So दो ही चीज़ें, these are two things, practice and confidence आपको success ज़रूर दिलाएंगे अगर आप ये हमेशा mind में रखोगे तो, ठीक है? कोई चीज़ नहीं भी आती है ना, तो confident रहोगे ना, तो लगेगा सामने वाले को yes, he अभी शायद ना आती हो, but he might be able to do it in the future. Okay, let's start with our vocabulary words first, right? So vocabulary words में हमारे पास पहले जो words है, as you can see, we have obliterate. है ना, सो वी हैव समथिंग टू डिस्ट्रॉय अटर्ली और वाइप आउट, किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना और वाइप ख़त्म कर देना, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे ऑब्लिट्रेट. देखो यहाँ पे यू इफ इवन इफ यू आर कमेंटिंग लाइक विशाल सर, यहाँ पे आई एम ऑल्सो ईगली वेटिंग, आई डोंट नो वेयर इज़ विशाल सर, राइट? सो वो आपको अगर आपको इन्फॉर्म भी करना है तो यू शुड गो टू द अड्डा टीम, उनको जाके आप ये मैसेज करो, या फिर विशाल सर के पेज पे भी जा सकते हो आप, फेसबुक पेज पे, राइट? सो इवन इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग हेयर, यू शुड गो देयर, राइट? अगर आपको पढ़ना है और आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही यहाँ पे हूँ. नेक्स्ट वी हैव फ्रॉड. फ्रॉड हमारे पास है कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस, ठीक है? सो किसी भी मतलब फ्रॉड मतलब फियर, ठीक है? सिंपल आप बोल सकते हो किसी भी प्रकार का फियर, राइट? कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस. उसके बाद आता है हमारे पास हेरल्ड. बी अ साइन दैट इज समथिंग अबाउट टू हैपन. जब यहाँ पे कुछ किसी चीज़ की शुरुआत होने वाली हो तब हम बोल सकते हैं क्या, हेरल्ड. देन वी हैव इनएक्सप्लिकेबल. जो भी एक्सप्लेन ना किया जा सके, दैट इज इनएक्सप्लिकेबल, जैसे कि अनएक्सप्लेन, किसी को एक्सप्लेन ना किया जा सके. नेक्स्ट वी हैव अनट्रैमल्ड. नॉट डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम और एक्शन और एक्सप्रेशन, नॉट रिस्ट्रिक्टेड और हैम्पर्ड, ठीक है? एंड अनट्रैम्पल्ड मतलब क्या होता है, डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम और एक्शन और एक्सप्रेशन, किसी भी पर्सन को रोका ना जा सके, ठीक है? मतलब किसी भी पर्सन को डिप्राइव ना किया जा सके किसी भी एक्शन से, किसी भी फ्रीडम से, राइट? तो वो मतलब एकदम बेरोक होके वो अपने एक्सप्रेशंस पेश कर सकता है, दैट इज अनट्रैम्पल्ड. देन वी हैव डिसेमिनेट, मतलब स्प्रेड स्पेशली widely.
देन वी हैव डिसेमिनेट, आपको पता ही होगा, समथिंग टू स्प्रेड. देन वी हैव टोटालिटेरियन, रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रलाइज एंड डिक्टेटोरियल एंड रिक्वायर्स कंप्लीट सबसर्वियंस टू द स्टेट. टोटालिटेरियन गवर्नमेंट आपको पता होगा, मतलब जहाँ पे आपकी रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रलाइज एंड कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हो ऑटोक्रेसी से, ऑटोक्रेटिक से सिमिलर, ठीक है, ऑटोक्रेसी से सिमिलर, राइट. सो दीज वर आपके वर्ड्स. आते हैं हम आज के न्यूज़पेपर पे, एंड आई वुड से अगर आपको डिसलाइक करना है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, और आप लाइक करना चाहते हो तो लाइक करिए और शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपका एडिटोरियल सेशन स्टार्ट हो गया है. ओके, चलिए टॉपिक पे आते हैं, हम अपने न्यूज़पेपर पे फोकस करते हैं एक बारी, एंड आई विल टेल यू अबाउट द न्यूज़. एक बार यहाँ पे फोकस करिए. सो वीज़ा क्रैकडाउन, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, सो वीज़ा क्रैकडाउन है. यहाँ पे अगेन आपके यूएस के बारे में बात की गई है, हम उसको अभी स्लाइड के थ्रू देखेंगे. एंड यहाँ पे दिस इज स्लाइड, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट हाँ थोड़ा सा आपको अगर वीज़ा के बारे में आ जाए तो आपको लिखना चाहिए. एंड देन अगेन हमारे पास एनआरसी के बारे में एक टॉपिक है, ठीक है, आपको पता है एनआरसी का जो केस चल रहा है इन असम, हम उस, ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एसएससी, फॉर योर यूपीएससी, फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं पीस होल्ड्स, ठीक है, अब पीस होल्ड्स यहाँ पे क्या है, अगेन असम का एक किस्सा हुआ है, उसमें बात की गई है. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आपके बोरो पीपल हैं, मतलब एथनिक ग्रुप्स हैं, कुछ मान लो जैसे कि आपके कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं असम के अंदर जिनको ना अपनी पूरी स्टेट चाहिए, ठीक है, वो असम ने वो कहते हैं कि हमें असम नहीं चाहिए, हमें असम में नहीं रहना, हमें अलग से अपनी स्टेट दो, ठीक है. सो ऐसे ही ये किस्सा है, इसके बारे में देखेंगे. एंड अपीसमेंट बजट, ठीक है, यहाँ पे आपके अगेन इंटरिम बजट के बारे में बात की गई है. ये इसमें बोला गया है बेसिकली, अगेन बीजेपी को नकारा गया है कि आपने ये जो पॉलिसीज लेके आए हो, अगेन ये आपके वोट्स खरीदने की एक स्ट्रैटेजी है, राइट. हम ये पढ़ेंगे, ये आपका फर्स्ट पेज था. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, ठीक है. ओके, अमेरिका हैज़ लॉस्ट द अफगान वॉर. यहाँ पे अफगान के बारे में, तो अमेरिका वर्सेस अफगान के जितने भी रिलेशंस हैं, मतलब जो रिलेशन है और वॉर का जितना भी सीन रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, राइट. ऑन द राइट साइड यहाँ पे आपका रोहिंग्या, जो काफ़ी टाइम हो चुका है, महीने 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 बीत चुके हैं, रोहिंग्या के बारे में यहाँ पे कुछ बात की गई है. मतलब यहाँ पे जो आपका UNHCR है उसने केस कर, मतलब बोल दिया है इंडिया को कि आप रिपोर्ट सबमिट करो कि आखिर आपने रोहिंग्या पीपल को भारत से कैसे निकाला. ओके, सो यहाँ पे हम आते हैं अपने फर्स्ट पेज पे, ठीक है, और हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं आखिर वीज़ा क्रैकडाउन आपका क्या है. सो पहला टॉपिक यहाँ पे है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा. आपका पहला टॉपिक जो है वो है वीज़ा क्रैकडाउन. वीज़ा क्रैकडाउन आखिर आपका क्या है. स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ फॉलिंग अफुल ऑफ US इमिग्रेंट लॉस, राइट. सो यहाँ पे आपके US स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है. आपको पता है कुछ, जैसे इंडिया से कुछ लोग जाते हैं US में पढ़ाई करने के लिए, राइट, तो उनको किसकी ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स वीज़ा की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे जो आपके अब US के कुछ इमिग्रेशन लॉज हैं उनको वायलेट किया गया है, ठीक है, उनको वायलेट किया गया, और इसी के बारे में ये पूरा ऐसे है. सो यहाँ पे 129 इंडियंस हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया है ऑन द वायलेटिंग द इमिग्रेशन लॉज, जैसा कि आप देख सकते हो. एंड वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट स्टार्क मैसेज टू यूथ लुकिंग फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है. अभी इनको अरेस्ट कर लिया गया है, अब हम देखेंगे आखिर क्यों अरेस्ट किया गया है इनको, ठीक है. सो ये स्टिंग ऑपरेशन में क्या आया, इन द स्टिंग ऑपरेशन आया कि US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ये पता लगाया, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होती है IB होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसे ही वहाँ पे क्या है होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है. सो उसने क्या पता लगाया कि एक नाम है यूनिवर्सिटी का जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फैमिंगडन केस, द कंटेंटियस इशू इज वेदर दे फेल विक्टिम टू अनस्कर्पुलस रिक्रूटर्स हु ऑफर टू सिक्योर I-20 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट दैट अलाउड देम टू अंडरटेक पेड वर्क यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नोइंगली एंगेज इन फॉर. ओके, सो ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी क्या है, ये एक आपको यहाँ पे ये देखना है, ये एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी है.
ये फ्रॉड यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, ये एक I-20 वीज़ा दे रही है, डॉक्यूमेंट दे रही है किसको, इंडिया के स्टूडेंट्स को। इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, बेसिकली कुछ ब्रोकर्स हायर करे। अब उन ब्रोकर्स ने क्या किया, उन्होंने इंडियन जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते थे US में, उन लोगों को ढूंढा एंड देन फिर क्या, उनको बोला कि सपोज अगर एक सेमेस्टर की फीस है आपकी 50,000 कुछ है, ठीक है, तो हम आपको 30,000 में दे रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो यहाँ पे कुछ लोग, और उन्होंने एट दैट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ, गोइंग बाय द इंडाइसमेंट ऑफ 8 रिक्रूटर्स ऑफ इंडियन, मतलब यहाँ पे जो आपके 8 ब्रोकर्स मान लो, ठीक है, दे वर नोइंग द वायलेटिंग US इमिग्रेशन लॉ। अब जब उनको ये बताया गया कि हम आपको 30,000 में एक सेमेस्टर की आपकी फ़ीस है, कम रुपए में आपको दे रहे हैं, तब यहाँ पे आपके उनको बताया गया था कि हम आपको पढ़ाई नहीं करवाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे आपको सेमेस्टर में कोई भी आपके लेक्चर्स नहीं होंगे, कोई भी आपको पढ़ाई नहीं करवाएंगे, ये जो आपको वीज़ा दिया जा रहा है बेसिकली वहाँ पे काम करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे इंडियंस होते हैं वहाँ पे US में जाते हैं ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, वहाँ पे जॉब कर सके, और यूनिवर्सिटी भी साथ में एक डिग्री भी मिल जाए और काम भी मिल जाए। तो बेसिकली उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमें कौन सी क्लासेस अटेंड करनी है, हम यहाँ पे अपना डिग्री ले लेंगे और साथ साथ अपना काम करते रहेंगे, राइट। द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एलेज दैट ई स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी वाज अवेयर, क्या वाज अवेयर दैट देयर वुड बी नो क्लासेस, अभी मैंने आपको बताया, राइट। देन वी हैव, अब ओके आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब जब पता लगेगा इंडिया को कि करीब करीब 130 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया के लोग भी तो कुछ एक्शन लेंगे, तो जो आपकी सुषमा स्वराज जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने क्या किया, ठीक है आप उनको अरेस्ट कर लिया है, बट उन्होंने बोला कि एटलीस्ट उनको छोड़ दो कि आगे जा, जितने भी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनको जाने दो, ठीक है, उनको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने दो। Students who are eligible to pursue studies at authorized university in the US should therefore get a further opportunity and not be, अब उन्होंने लगा कि हो सकता है कि बच्चों को बहकाया गया हो, किसी तरह से बहकाया गया हो, तो जो एटलीस्ट एलिजिबल है उनको तो आगे बढ़ने दो, ठीक है। सो डिपोर्शन ऑफ ह्यूमन, इट ऑल्सो मस्ट नॉट प्रेजिडिस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सच स्टूडेंट्स हु अप्लाई इन द फ्यूचर फॉर लीगल एंट्री। ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक बाधा बन जाएगा, बाकी के लोग भी सोचेंगे अच्छा ये फेक तो नहीं है, ये हम कैसे जाएंगे यूनिवर्सिटी में, कहीं हमारे साथ धोखा हो गया तो मिनिस्टर, इंडिया ने ये एक्शन लिया है, क्या एक्शन लिया है कि जो एलिजिबल है उनको पढ़ने दिया जाए। सो यूनिवर्सिटी ऑफ फेमिंगटन जो क्या है, एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी है, राइट, सो उसको यहाँ से बेसिकली उनके जितने भी सदस्य थे जो भी इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ओके, सो ये आपका कंक्लूजन पे हम आते हैं, इंडिया का एक्शन मैंने आपको बता दिया, इसके अगेन दिस ट्रेंड रिइंफोर्स द नीड फॉर गुड कम्युनिकेशन। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा है, देखो हमें क्या चाहिए, गुड कम्युनिकेशन दैट वुड हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई क्रेडेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। अब यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, आगे बच्चों को पता तो चले वो कहाँ पे जा रहे हैं, क्या आपका प्रोसीजर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे द प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्किंग इन अमेरिका अट्रैक्टेड मेनी 600 स्टूडेंट्स हु वर रिक्रूटेड, दिस शुड सर्व एज अ रिमाइंडर टू इंडियाज पॉलिसी मेकर, ओके, दिस पॉलिसी मेकर दैट एक्सेस टू हायर एजुकेशन, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली कंक्लूजन में ये बोला क्या, यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, बच्चे जो आखिर वहाँ पे रह भी रहे हैं उनकी यहाँ पे उनको फ़र्क ना पड़े, अब फ्रॉड हो जाएगा, बच्चों का जो विश्वास है वो यूनिवर्सिटी से उठे ना, ठीक है। सो यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और दोनों ही देशों में आपका जिस तरह से ये जितने भी प्रोसीजर है उसको और रिफॉर्म करना चाहिए। सो दिस वाज इट फॉर आवर फर्स्ट टॉपिक, तो ये था आपका वीज़ा क्रैक डाउन। तो यहाँ पे कुछ लोगों, बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उनको पता था ऑलरेडी एट दैट टाइम कि आपकी ये जो यहाँ पे आपके, ये नहीं पता था कि ये इलीगल है, पर ये पता था कि क्लासेस नहीं होंगी, तो बेसिकली वो जॉब के चक्कर में उन्होंने एडमिशन ले लिया एंड देन वो आपके US इमिग्रेट लॉ को उन्होंने वायलेट किया। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, राइट साइड ऑफ द न्यूज़पेपर आते हैं। ओके, सो यहां पे बहुत सारे डिसकंटेंट हो रहा है आपके कमेंट बॉक्स पे, बट
एनीवेज यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आपका एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे, एंड ये आपका जो न्यूज़पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चाहूँगी कि आप पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, राइट? सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सो नेशनल रजिस्टर्स एक्सक्लूजन, आपका एनआरसी क्या है? एनआरसी आपको पता है, ठीक है? ओके दिस वन सेकेंड, आपको पता है एनआरसी क्या है? यहाँ पे लिखा है नेशनल रजिस्टर सिटीजन, ठीक है? सो यहाँ पे जो आपके ऑथर हैं, एक बार ही फोकस करते हैं न्यूज़पेपर पे, ठीक है? सो जो आपके एनआरसी हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस पर्सन हर्ष मानेदार, इन्होंने क्या कहा है? दिस इज नॉट एनआरसी, दिस इज नेशनल रजिस्टर ऑफ एक्सक्लूजन. ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सक्लूजन है, एनआरसी की जगह पे क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ एक्सक्लूजन. ठीक है, सो विल कम बैक टू द स्लाइड ओनली, हमारे पास स्लाइड है आज टॉपिक की. तो यहाँ पे नेशनल रजिस्टर एक्सक्लूजन, आखिर ये जो हर्ष मानेदार है, जो ऑथर है इस टॉपिक के, वो कह रहे हैं कि ये जो नेशनल रजिस्टर है वो एक एक्सक्लूजन है. मेरी बात को समझना ध्यान से. अब ये एनआरसी है क्या? ये रजिस्टर है जहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है जो भी भारत के सिटीजन्स हैं वहाँ पे असम में, ठीक है? अब जो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे बांग्लादेश के कुछ लोग हो गए, आपके भूटान के, म्यांमार के कुछ लोग आके ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहने लग जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपके रहने लग जाते हैं. तो यहाँ पे उन लोगों का पता लगाने के लिए आखिर कि ये कुछ भारत के लोग हैं और कुछ जो फॉरेन वासी हैं, मतलब जो फॉरेन कंट्री से आए हैं, उन लोगों का पता लगाने के लिए ही आपका ये एनआरसी लागू किया गया था, ठीक है? एनआरसी क्या है? एक रजिस्टर है जिसमें सिटीजन्स का रिकॉर्ड है. अब आते हैं टॉपिक पे. ये जो ऑथर कह रहे हैं कि ये एनआरसी नहीं है, ये एक्सक्लूजन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हेडेक बन गया है लोगों के लिए. अब ये हेडेक कैसे बन गया है वो हम देखते हैं, ठीक है? सो बाय रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म रेजिडेंस ऑफ असम टू प्रूव देयर, अब ये एक छोटा सा प्रोसीजर नहीं बना है, असम के लोग हैं कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गया है कि इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं उनको अपनी सिटीजनशिप प्रूव करना एक बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है? उनके डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने हो गए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हम अभी देखेंगे. तो उनको लिए ये प्रूव करना बहुत ही बड़ी एक मुसीबत हो रही है, ठीक है? सो ये इसी वजह से यहाँ पे कुछ ओपेक रूल्स हैं हमारे पास, कुछ बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं हमारे पास, ब्यूरोक्रेसी में कुछ फॉल्ट है हमारे पास. इंडिया स्टेट हैज़ फॉर पास्ट टू डेकेड्स अनलीस्ड एंड अनरिलेंटिंग नाइटमेयर ऑफ वांट injustice on a massive swath of its vulnerable people. मतलब जो इंडिया आपकी गवर्नमेंट है वो ही आपके citizens के पीछे पड़ी हुई है. नेक्स्ट हम आते हैं इसी पे आप देखोगे पहला टॉपिक है उसका नाम है distressing cycle. distressing मतलब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ही मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं है आपकी, ठीक है? तो डिस्ट्रेस मतलब कि अच्छी सिचुएशन नहीं है आपकी यहाँ पे. अब अच्छी सिचुएशन क्यों नहीं है? सो द ऑफिशियल प्रिजम्पशन दैट दे आर फॉरनर्स हैज रिड्यूस सेवरल मिलियंस ऑफ दीज हाईली इम्पोवरिश मोस्टली रूलर. अब देखो बहुत सारे जो सबसे इम्पोवरिश मतलब जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है वो कौन है? आपके रूरल पीपल जिनके पास बिल्कुल पावर नहीं है, ठीक है? जो पुअर पीपल हैं बिल्कुल, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचा है इस एनआरसी की वजह से. किसकी वजह से? एनआरसी की वजह से किस किस पे नुकसान पहुँचा है, क्यों नुकसान पहुँचा है, वो हम अभी देख रहे हैं. वी इनकाउंटेड सेवरल इंस्टेंसेज वेयर द वेरिएशन ऑफ सिंगल इलेक्टर, फॉर एग्जाम्पल. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, अब यहाँ पे एक बारी कॉन्सेंट्रेट करना. अब ये नुकसान क्यों पहुँचा है? देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि उमर एंड ओनार के बीच में एग्जाम्पल लिया है. वॉज रूल इनफ दैट अ पर्सन इज अ फॉरनर, लाइकवाइज द रूलर अनलेटर आर टिपिकली वेक दैट डेट्स. अब यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम मान लेते हैं उमर है, ठीक है, उमर है तो, और गलती से उसका या तो डॉक्यूमेंट्स में मिसप्लेस्ड हो गया है नाम, उसमें लिखा गया ओनार, ठीक है? अब वो इतना मान लेते हैं, और ये जो पर्सन है वो 60 साल का हो चुका है या फिर क्रॉस कर चुका है 70. नाउ ही इज पुअर, नाउ ही इज एजेड ऑल्सो, और उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है. अब वो इतने सालों से जब तक असम में रह रहा है, आज वो अपनी खुद की सिटीजनशिप नहीं प्रूव करवा रहा, और उसको क्या घोषित कर दिया गया, उसको फॉरनर घोषित कर दिया गया, जस्ट ऑन दिस बेसिस कि उसका नाम जो था उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई उसकी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. अ पर्सन कुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिटीजनशिप इफ शी टोल्ड द ट्रिब्यूनल दैट शी वॉज 40 व्हेन हर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड हर टू बी 42.
अभी ये वुमेन्स की बात है, वो हम आगे फोकस करते हैं, ठीक है. सो टफर फॉर, ओके नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, टफर फॉर वुमेन. अब ये लोगों जो पुअर पीपल हैं, जो बूढ़े हैं, उनसे भी ज़्यादा नुकसान किसको पहुंच रहा है? विमेन्स को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पे. अब विमेन्स को कैसे नुकसान पहुंच रहा है वो देखो. अब डेंजर जो है वो आपकी वुमेन्स पे है. कैसे? सपोज आपकी जो पहले के ज़माने में क्या होता था, जल्दी वुमेन्स की शादी कर दी जाती थी, तो ऑब्वियसली देर इज़ अ चेंज इन नेम. अब वो जैसे ही अपने इन लॉज के घर पे आती है तो उसका नेम चेंज होता है. अब उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके मतलब फैमिली से है, मदर फैमिली से है, तो उसके नेम में जो चेंज है अब उन वुमेन्स के लिए वो भारी पड़ रहा है. देखो दे आर टिपिकली ऑल दे हैव नो बर्थ सर्टिफिकेट्स, आर नॉट सेंट टू स्कूल, आर मैरिड बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, देयरफॉर बाय द टाइम देयर names first appear in voter list, they are in the villages where they live after marriage, which are different from their parents. ठीक है. अब जो उनके parents हैं उनका नाम obviously different हो गया, कि कुछ लोग पढ़ी लिखी नहीं है, नाम change हो गया है शादी के बाद, ऐसा कुछ problem आ रही है. ठीक है. So women's जो है आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे face कर रही हैं इस चीज़ को. अब इसीलिए उनको क्या घोषित कर दिया जा रहा है? Foreigner घोषित कर दिया, कि आप भारत के नागरिक नहीं हो, आप फॉरेनर हो. ठीक है. अब कुछ माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं. ठीक है. दे अब माइग्रेंट वर्कर्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. सॉरी. पानी. ओके सॉरी. सो यहाँ पे हम आते हैं माइग्रेंट वर्कर्स पे. थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है एज यू नो ऑलरेडी नो. सो उसके बाद हम आते हैं माइग्रेंट वर्कर्स पे. सो दे ट्रैवल टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स. अब कुछ माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो कुछ ऑब्वियसली बात है कुछ और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे अपने काम करने के लिए. सो इसीलिए उनको क्या घोषित कर दिया जा रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स. ठीक है. फ्रॉम बांग्लादेश. सो उनको भी फॉरनर घोषित कर दिया जा रहा है. नेक्स्ट हम आते हैं ओपेक प्रोसेस. ओके. सो यहां पे आपका ओपेक मतलब क्या होता है, एक चीज जो कि क्या हो, धुंधली हो. जो आपका प्रोसेस चल रहा है, अब सपोज मैंने कुछ लोगों को फॉरनर घोषित कर दिया. ठीक है. अब यहाँ तक उनकी जर्नी सीमित नहीं होती. अब जिनको फॉरनर घोषित कर दिया है वो कहाँ पे जाएंगे, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स. ठीक है. मतलब उनकी भी एक अदालत सी होगी छोटी सी, वो वहाँ पे जाके अपनी सिटीजनशिप को प्रूव कर सकते हैं. अब जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे कुछ रिटायर्ड जजेस हैं. ठीक है. बहुत अब बीजेपी ने क्या कर रखा है, कुछ आरएसएस के लोग वहाँ पे बिठा रखे हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि किस तरह से कोर्ट कचहरी होती है. किस ओपेक मतलब होता है अंशी, क्लियर होता है. ठीक है. क्लियर का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, ओपेक मतलब धुंधला. ठीक है. व्हेन समथिंग इज नॉट क्लियर. ठीक है. सो आरआरएस के कुछ लोग वहाँ पे बिठा रखे हैं तो जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है. ठीक है. इवन इफ अ पर्सन फील्स हर नेम इन द एनआरसी, द पुलिस कैन स्टील. अगर उसने एनआरसी में अपनी जगह बना भी ली किसी तरह से, तो वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो उनको जीने नहीं दे रहे. वो क्या कर रहे हैं, उनको अगर किसी सस्पिशियस के बेस पे, मतलब अगर उनको लगता है कि नहीं ये इंसान आपका सिटीजन नहीं है, फॉरेनर है, तो पुलिस क्या करती है, उनके जो वोटर आईडीज है उस पर डी का निशान लगा देती है. डी मतलब होता है आपका डिफॉल्ट. ठीक है. मतलब ये क्या है, डिफॉल्टर है. अगेन उनको अपनी सिटीजनशिप का प्रूव करना पड़ेगा. अब ये जो एनआरसी में क्या आया है, एनआरसी में आया है सीधा सीधा, जिनके पे भी डी लिखा होगा वोटर आईडी पे, उनको सीधा सीधा आपका फॉरनर घोषित कर दिया जाएगा. तो उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई. ठीक है. आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड एज अ फंडामेंटल राइट दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफ, और ये बार बार हो भी रहा है. ठीक है. 20 में लिखा है कि बार बार एक
गुनाह के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते. बट दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन वेव्ड फॉर एफ टीज. वी फाउंड दैट इवन आफ्टर एन एफ टी कौन सी ट्रिब्यूनल्स आपकी फॉरन ट्रिब्यूनल्स हैंड कन्फर्म्ड अ पर्सन टू बी एन इंडियन सिटीजन अनदर एफ टी एंड ऑफन अगर एक किसी एक फॉरनर ट्रिब्यूनल ने आपका बेसिकली बोल भी दिया कि चलो ठीक है ये भारत का नागरिक है तो दूसरा ट्रिब्यूनल क्या करता है उसको नोटिस दे देता है कि नहीं ये गलत है और इसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. तो ये पूरा गवर्नमेंट का ही खेल चल रहा है और सफ़र कौन कर रहा है जो पुअर पीपल है जिनके पास पावर नहीं है विमेंस है सफ़र हम कर रहे हैं. ठीक है जो भारत का नागरिक होने के बावजूद भी अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पा रहे यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा है असम के दंगे का. ठीक है कंक्लूजन पे आते हैं. आपको मैं असम अकॉर्ड पर आ चुकी हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है वो मैं आपको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी एनआरसी में आपको बता चुकी हूँ आज. वाइल द एंटायर बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप ऑन देयर शोल्डर्स एंड आर्बिट्री एंड ओपेक मल्टीपल फोरम्स टू विच दे आर समन्ड पीपल आर डिप्राइव ऑफ बोथ एजुकेशन एंड रिसोर्सेज आर कॉट इन. अब यहाँ पे क्या है बर्डन तो है ही उनके पास सिटीजनशिप का. ठीक है अब इन लोगों को एजुकेशन भी नहीं दी जा रही रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे हैं. ठीक है देयर डेस्टिनीज ऑन इंस्टीट्यूशन दैट ट्रीट देम विद अनडिसगाइज हॉस्टिलिटी एंड बायस दे आर इंडीड फ्यू पैलेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ द स्टेट इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग स्टेटलेसनेस ऑन द स्केल एंड इन द मैनर दैट इट इज डूइंग इन असम. सो बेसिकली यहाँ पे आपके पूरे पूरे इस प्रोसीजर को एनआरसी के प्रोसीजर को बहुत ही नकारा गया है कि आपके इस प्रोसीजर से ना आपकी वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स अच्छी हैं. ठीक है पुलिस आपके ना वहाँ पे ना पुलिस ढंग से काम कर रही है. ठीक है आप एक भारत के नागरिक होने के बावजूद भी एक उसको आप नकार रहे हो भारत का नागरिक. ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे बोला मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हो. अब ऑब्वियस ही बात है एक बूढ़ा इंसान इसकी इतनी उम्र हो गई है वो अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई ख़राबी है तो वो कहाँ कहाँ घूमेगा अपने आप को साबित करने के लिए. अब एक भारत का सिटीज़न अगर आप नहीं हो तो आपके जितने भी ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज हैं एजुकेशन है पॉलिसीज़ हैं उसमें आपका नाम नहीं आएगा उसमें आप शामिल नहीं हो पाओगे. राइट सो यहाँ पे ये आपका कंक्लूजन था कि इसको ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है. ठीक है ये एक छोटी सी बात नहीं है एनआरसी जो वहाँ पे दंगे हो रहे हैं बहुत ही बड़ा इफेक्टिव चीज़ है वो पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा आगे जाके. ओके नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं एंड अपीसमेंट ऑफ बजट. ये टॉपिक आप देखोगे ऑन द न्यूज़पेपर अभी ज़रूरत नहीं है कैमरे की. ठीक है सो यहाँ पे हम न्यूज़पेपर में आप जब ऑन द राइट साइड एनआरसी के जस्ट नीचे आपका अपीसमेंट ऑफ बजट है. ठीक है अब ये क्या है अपीसमेंट मतलब कि ये जो बजट आपका दिया गया है ना ये एक मतलब कह लो कि एक सिंपल एक चॉकलेट के रूप में दिया गया है. ठीक है कि चलो थोड़ा सा अगर आपको बुरा लग जाए तो जैसे कि बच्चों को चॉकलेट खिला देते हैं कि चलो मान लो तो उसी की तरह से आपका ये चॉकलेट के रूप में एक बजट आपको दिया गया है जिसका नाम है इंटरिम बजट. इंटरिम मतलब जो ऑब्वियसली बात है आपको मैं बता चुकी हूँ व्हाट इज इंटरिम बजट. ठीक है 2019 विच इज़ आपकी जो अभी पाँच ही बजट जो आप दे सकती थी आपकी बीजेपी गवर्नमेंट. राइट आफ्टर द इलेक्शंस इट विल बी फाइनल कि कौन सी पार्टी इलेक्ट होगी और कौन सा बजट आएगा. राइट अकॉर्डिंग टू दैट इंटरिम बजट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ हैज़ सॉट टू मेक अमेंड्स फॉर द रॉन्ग ऑलमोस्ट 5 years ऑफ नरेंद्र मोदी. तो ये आपको बोल रहा है कि सब कुछ गलत किया उसने बजट में. ठीक है दैट एम्प्लॉयज़ इन नियरली 90 उसने जो काम किया है वो क्या कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर जो है आपका इंडिया का जो इंडिया में मोस्टली जो सेक्टर है वो है इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मतलब जो जिसकी कोई ऐसा काम जो आपका ऑर्गेनाइज ना हो जिसमें आपने रजिस्टर ना कर रखा गवर्नमेंट के थ्रू की. ठीक है आप इनफॉर्म ठीक है जैसे हम कोई किसान का भी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो वो ज़रूर कई छोटे छोटे किसान जो होते हैं उनकी छोटी छोटी ज़मीनें होती है ये सब क्या है ये इनफॉर्मल सेक्टर ही तो एग्रीकल्चर भी एक इनफॉर्मल सेक्टर है. हर एक किसान आपका फॉर्मल में नहीं आता. राइट सो छोटे छोटे किसान हैं उनकी रजिस्ट्री थोड़ी हो रखी है ज़मीनों की. सो मतलब वो क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो मोस्टली जो इंडिया में पीपल हैं दे आर अनऑर्गेनाइज्ड. अब वहाँ पे फोकस ना कर वो आपका फोकस पॉइंट नहीं हुआ है. ठीक है डेब्लिटेट मतलब एलिमिनेट किया गया है किसको डेब्लिटेटिंग इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन मतलब जो इतने खराब इम्पैक्ट रहे थे डिमोनेटाइजेशन के वो सीधा सीधा किस पे पड़े हैं ऑब्वियसली बात है इनफॉर्मल सेक्टर पे पड़े हैं. ठीक है सो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ. अब ये जो इनफॉर्मल सेक्टर पे कैसे पड़े ये जो ट्रांजेक्शन करते हैं ऑब्वियसली बात है कैश में करेंगे पैसे पे करेंगे
है ना, छोटे छोटे. अब हर कोई किसान थोड़ी जाएगा आपका एटीएम में पैसे निकलवाने, पैसे डालने, है ना. छोटे छोटे किसान हैं या फिर जो भी इतने भी इन्फॉर्मल सेक्टर्स हैं वो कैश में मोस्टली डील करते हैं. अब अगर डिमोनेटाइजेशन हो जाता है तो पैसे की जितनी भी डेल्टमेंट है वो कैसे करेंगे. तो बहुत भारी नुकसान हुआ है इन्फॉर्मल सेक्टर को. अब उसी को बीजेपी ने क्या किया है, एक तरह से मोल्ड कर दिया. उनको पता तो चल गया था कि अच्छा इन्फॉर्मल सेक्टर हमसे दुखी हैं, फार्मर्स हमें हमसे दुखी हैं, तो उसको कैसे उन्होंने मतलब लपेटा है और किस तरह से उनको पॉलिसीज दी हैं बजट के अंदर, वो हम अभी देखेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट में सम सोशल सिक्योरिटीज. आपके पास पहला टॉपिक है टू रीच आउट द सेगमेंट. ओके वन सेकेंड. टू रीच आउट द सेगमेंट वर्स हिट द इंटरिम बजट अनाउंस दैट. आपकी एक स्कीम लाई गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधान. ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट है. इस स्कीम को आपसे पूछा जा सकता है. आपकी जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधान, इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब देखना इफेक्ट किस पे पड़ा था डिमोनेटाइजेशन का, सबसे ज्यादा पहली लाइन में लिखा था इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे. ठीक है, अब यहाँ पे एक स्कीम ले आए बीजेपी जो किया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधान अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जिसमें वो क्या करेगी, जिसकी भी मंथली इनकम है 15,000 से कम विद अ टोकन ऑफ, अब ये बजट जो इसका गया है 500 करोड़ बजट दिया गया है. ठीक है, उसमें उसको क्या करेगी 3,000 की, ठीक है, यहाँ पे तीन लिखा गया है, 3,000 का मंथ ओल्ड एज पेंशन दिया जाएगा. क्या करेगी ये स्कीम, 15,000 से अगर किसी की सैलरी कम है एक महीने की तो पेंशन दी जाएगी, जब आप बूढ़े हो जाओगे उसके बाद पेंशन दी जाएगी 3,000 की पर मंथ. स्कीम को अच्छे से समझ लेना, ये दोनों यूपीएससी एसएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं हम आगे. सो पेंशनर्स, अब ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, कैसे होगा मैं बताती हूँ. जब अगर आपकी एज होती है 60, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, टू बी एलिजिबल वर्कर्स विल हैव टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग 55 एवरी मंथ. अगर आप 60 साल के हो गए हो, मतलब 60 साल के तब तक हो जाओगे, तो 55 रुपये आपको यहाँ पे हर साल प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे फ्रॉम मंथ फ्रॉम द एज ऑफ 18 दोज ओवर. ओके ध्यान से सुनना, जो 60 थी वो आपको पेंशन मिलेगी, 60 के उम्र के बाद आपको पेंशन मिलेगी. 55 रुपये आपको यहाँ पे जमा करवाने पड़ेंगे जब तक आप 18 साल के हो फ्रॉम द एज ऑफ 18. अब जब 29 के हो जाओगे, दोज ओवर 29 विल कॉन्ट्रीब्यूट 100 एवरी मंथ. द गवर्नमेंट विल मैच दिस कॉन्ट्रीब्यूशन. द स्कीम टारगेट्स वर्कर्स इन सेक्टर्स सच एज लेदर, हैंडलूम, जितने भी आपके मार्जिनल सेक्टर्स हैं. ठीक है, सो अगर आप 18 साल के हो तो आपको कितना देना है, 55 रुपये जमा करवाना है. 29 साल से ऊपर हो तो 100 रुपये जमा करवाना है. ये स्कीम ये कहती है कि आपको पेंशन तब मिलेगी आगे जाके. ओके, अब किस तरह से ये जो आपका बजट में फार्मर्स के लिए क्या किया गया है, अब मोदी जी ने क्या किया है, बाय एक्यूट ऑब्वियसली किसान इससे नाराज तो थे ही, तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया हैज़ फेल्ड टू रिस्पॉन्ड एडुकेटली. ड्रॉट की कंडीशन आई तो मोदी गवर्नमेंट फेल हो गई फार्मर्स को उनके पैसे दिलवाने के लिए. एंड देन 2017-18 में आपका क्या हुआ था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एरर आए. ठीक है, अब 2018 और 17 में बम्पर प्रोडक्शन हुआ था. ठीक है, मार्केट में क्या था, बम्पर हार्वेस्ट हुआ था. 14-15 में ड्रॉट कंडीशन थी, बट आगे जाके आपका 17-18 में बम्पर प्रोडक्शन हुआ. बट हमारी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पॉलिसीज थी वो इतनी फीजिबल नहीं थी लोगों के लिए कि भारी लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, भारी लॉस हुआ है किसानों को. अब वो एक्सपोर्ट माल जब नहीं हो पाया जितना भी प्रोडक्शन हुआ है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है इंडिया की मार्केट में ही जाएगा. इंडिया की मार्केट में कब कैसे जाएगा, सस्ते दामों पे जाएगा, क्योंकि बाहर तो जा नहीं पाया, एक्सपोर्ट तो हो नहीं पाया और बम्पर प्रोडक्शन हुआ है तो मार्केट में वो फैल गया. ठीक है, प्रोडक्ट फैला और सस्ते दामों पे, जिससे ऑब्वियस ही बात है किसानों को जिन्होंने प्रोड्यूस किया है वो उनको तो बहुत ही नुकसान पहुंचा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हमारे पॉलिसी फेलियर्स हुए हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरिम बजट फार्मर्स के लिए क्या कर रहा है. अगेन 6,000 अ ईयर आपकी बोल रहा है कि इनकम सपोर्ट देंगे. फिक्स्ड इनकम सपोर्ट आएगा आपका, फिक्स्ड मिनिमम इनकम बोला गया है, जिनकी 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए पर आपकी. ये पीएम किसान एक और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एसएससी और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, आपसे ये दोनों योजनाओं का नाम पूछा जाएगा. पहले हमने कौन सी पढ़ेगी, मंत्री श्रम. ठीक है, उसके बाद हम था पीएम किसान. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बजट का मुद्दा रहा है पूरा आपका बेसिकली फार्मर और इनकम टैक्स के लिए रहा है.
राइट. सो ये पीएम किसान क्या है, जिनकी जमीनें 2 हेक्टेयर है, ठीक है, उन्हीं को 6,000 एक फिक्स्ड इनकम दी जाएगी. यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ तभी दिखेगा. तो जिनकी जमीनें 2 हेक्टेयर है उनको एक फिक्स्ड इनकम दी जाएगी 6,000 की, ठीक है, पर ईयर. समझ गए आप, तो 500 मंथ हो गया. बाईपासिंग द लैंड कल्टीवेटर्स द मोस्ट वनरेबल क्लास इन द एग्रीकल्चर. सो लैंड कल्टीवेटर्स को बाईपास कर दिया यहाँ पे, द मोस्ट वनरेबल. अब 2 हेक्टेयर्स, अब कुछ यहाँ पे किसको बाईपास किया गया है, लैंड कल्टीवेटर्स. अभी मैंने बताया सभी के पास 2 हेक्टेयर जमीनें नहीं होती हैं, मतलब कम भी चलेगा उससे, ठीक है. सभी कुछ लोग क्या करते हैं, सभी के पास अपनी ज़मीनें भी नहीं होती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं दूसरों की ज़मीनों पे लीज लेके, है ना, उस पे खेती करते हैं, ठीक है, या छोटे छोटे टुकड़ों में. अब उनको तो बाईपास ही कर दिया. अब हमारे देश में तो पूरा पॉपुलेशन इतनी है, छोटे छोटे फार्मर्स बहुत हैं, वो तो बाईपास ही हो गए सीधा. तो मतलब जिनकी आपके लैंड, जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, मतलब 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है, वही आपकी इस पीएम किसान को अवेल कर पाएंगे. तो नुकसान हो गया, फिर अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का नुकसान हो गया. नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन पे. कंक्लूजन हमारा क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है. सो अगेन आपका किसको, इंटरिम बजट को यहाँ पे नुकसान दिया गया है, कि यहाँ पे जिस तरह से आपने चॉकलेट दी है और किसानों को ये चॉकलेट खिलाई है आपने और खुश करने की कोशिश की है, वो आपने खुश ही नहीं किया है, बट बेसिकली जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, बहुत ही बड़ा मेजर सेक्टर को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, जिसपे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, राइट. सो दिस वॉज इट योर थर्ड टॉपिक. तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए. जल्दी से हम यहाँ पे अपना न्यूज़पेपर पे आते हैं और हम इसको ख़त्म करेंगे. आई होप सभी को समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, राइट. सो लाइक कर ज़रूर करो. आई नो कि अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है तो आई वुड से कि डिसलाइक कर दो. मैं आपको नहीं कह रही कि लाइक करने के लिए फोर्स कर रही हूँ, बट अगर थोड़ा भी समझ में आया है, किसी तरह से मज़ा भी आया है सुन के समझ के, तो आप लाइक कर सकते हो. तो यहाँ पे आता है फीस होल्ड्स हार्शर पेनल्टी इन द 2018 असम सीरियल, ठीक है. जल्दी से आपको बताती हूँ आखिर है क्या. यहाँ पे अगेन आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे केस चल रहा है इन द असम रीजन. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे है क्या. ओके, असम बोडो पॉपुलेटेड एरियाज, यहाँ पे बोडो रीजन के कुछ लोग हैं, ठीक है, असम में रहते हैं, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, असम में रहते हैं. वो किसकी मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं आपकी सेपरेट स्टेट की. किसकी मांग कर रहे हैं, सेपरेट स्टेट की, कि हमें अलग से एक स्टेट चाहिए, हमें असम में नहीं रहना है, ठीक है. अब जैसे नक्सलीट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दंगे करते हैं, ठीक है. सो दंगे करते हैं, इसीलिए उनको एक सेपरेट स्टेट ना दे के उनको एक ऑटोनॉमस काउंसिल दी गई है. मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ पे. ओके, ओवर अ डेकेड आफ्टर 9 serial bombs ripped through 4 towns, द क्लैमर फॉर डेथ पेनल्टी टू बी अवॉर्डेड टू द प्रिपरेटर्स हैड पुट द स्टेट ऑन. ओके, सो यहाँ पे ये मैं आपको आगे बताती हूँ. द October 30, 2018 बॉम्ब. ओके, सो ये क्या है, अब ये क्या करने लगे, ये दंगे करने लगे बोधो लोग, कि हमें दूसरी स्टेट चाहिए, हमें अलग से स्टेट चाहिए. अब ये इन्होंने दंगे करे. 2008 में जाके यहाँ पे इन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें अराउंड 88 लोगों की जाने चली गई, ठीक है. सो 53 ऑफ देम इन गुवाहाटी विथ और 500 लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए, ठीक है, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए. ये इन्हीं कम्युनिटी के जो आपके चेयरमैन थे बोडो कम्युनिटी के, ठीक है, ये उनका नाम था रंजन दाइमरी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया एक बॉम्ब ब्लास्ट जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जाने गई. अब ये जो केस बेसिकली चल रहा है, जो राजन दाइमरी है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी है, ठीक है. उनको क्या सुना दी है, डेथ पेनल्टी. स्क्रीन पे आते हैं. ओके, सो मैंने अभी आपको बताया, ये जो बोडो लोग हैं असम के अंदर, वो अलग से अपनी स्टेट बनाना चाहते थे बहुत सालों से, बट यहाँ पे स्टेट ना बनाते हुए इनको एक ऑटोनॉमस काउंसिल, मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं तो ये दंगे करेंगे, ठीक है, इनको स्टेट अलग से ना देते हुए इनको एक ऑटोनॉमस काउंसिल, मतलब आप एक ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हो जहाँ पे आप अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन लगा सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे उसके बाद जाके 2008 में इन्होंने एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया जहाँ पे 88 लोगों की जान चली गई. इस कम्युनिटी के जो चेयरमैन था उसका नाम था रंजन दाइमरी, ठीक है, 500 लोग इंजर्ड हो गए. एक जो रंजन दाइमरी था उसको सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सजा सुना दी. ओके, एंड जो बाकी के लोग थे उनको अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं, ठीक है. तो बाकी के जो असम के लोग हैं इस पे भी भड़के हुए हैं कि सभी को डेथ पेनल्टी सुनाई जाए. ये जो आपने अलग अलग सजा सुनाई है सभी को, ये ना सुनाते हुए इनको
अलग से सजा सुनाई जाए, ठीक है। सो आप इसको पढ़ना कि क्या है ऑटोनॉमस काउंसिल, कैसे इनके रूल रेगुलेशंस हैं, जो बेसिकली अभी जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा है, आने वाला है, जो पास होगा, अभी हुआ नहीं है, उसमें क्या किया जा रहा है, ये जो ऑटोनॉमस काउंसिल है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है, और ज़्यादा क्या दी जा रही है, पावर दी जा रही है, ताकि आप रूल्स रेगुलेशन ढंग से कर सको, ठीक है। उनको और मतलब कह सकते हो कि फाइनेंस सपोर्ट भी दिया जा रहा है, ताकि आप मतलब ऑटोनॉम मतलब कोई और दंगे ना हो आगे जाके। ये बेसिकली बीजेपी की सोच है कि हम उनको थोड़ी सी और पावर दे देते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं, ताकि आगे जाके और दंगे ना हो। बट ऑब्वियसली असम के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते, ठीक है, वो चाहते हैं इनको हटाया जाए या निकाला जाए, इनको डेथ पेनल्टी सुनाई जाए सभी को, ठीक है। और गवर्नमेंट को ऐसा नहीं, वो तो अगेंस्ट ही है, ऑब्वियसली असम के लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट है ही, और ये भी एक रीज़न है क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते हैं बोडो पीपल को अलग से स्टेट बनाने को, ठीक है। तो ये आपका पहला पेज जो था 8 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, न्यूज़पेपर फोकस करते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं आगे बोल पाऊंगी। अमेरिका इज लॉस्ट द अफगान वॉर। यहाँ पे क्या आपको पता है कि बहुत समय से आपके अफगान वॉर चल रही है, किसके बीच में, यूएस और अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है। आपको पता है अफगानिस्तान में हमारे पास क्या है, आई होप यू कैन सी, हमारे पास एक कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है, तालिबान, और दूसरी है एक वेस्ट बैग्ड गवर्नमेंट, वेस्ट बैग गवर्नमेंट मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी गवर्नमेंट है जो यूएस क्या चाहती है, यूएस चाहती है कब्जा करना कहाँ पे, अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है, एक बार स्क्रीन पे आते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। ओके नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि आखिर ये क्या है अफगान वार। आपको पता है तालिबान, आपने सुना होगा, तालिबान एक टेररिस्ट का ग्रुप है जो आपका इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान एक बोला जाता है कि सिर्फ सपोर्ट करता है तालिबान को, राइट। सो ये टॉपिक आप खुद पढ़ना, आपको समझ में भी आ जाएगा एक बार मैं आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट बैक गवर्नमेंट है एक, मतलब यूएस अपनी जगह बनाना चाहती है अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे मतलब सराउंडेड है, पहाड़ों से सराउंडेड है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता। तो यूएस अपनी जगह बनाना चाहती है अफगानिस्तान में, बहुत सालों से लगी हुई है, बहुत सालों से यहाँ पे लगी हुई है कि करीब करीब आप पढ़ोगे तो 800 बिलियन पैसे कर चुकी है, 20,000 यूएस गवर्नमेंट के जो मिलिट्री लोग हैं वो वहाँ पर मर चुके हैं इस मतलब जगह को हड़पने के लिए, अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या, ऑब्वियसली तालिबान भी आपका टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि ये अफगानिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बने, ठीक है, जहाँ पे इस्लामिक रूल्स हो। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि कोई भी डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए, हमें भी कोई किसी डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है, हमें कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं चाहिए, हमें खुद का एक इस्लामिक लीडर चाहिए, इस्लामिक स्टेट चाहिए। तो ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। बट ऑब्वियसली बात है, यूएस क्या चाहती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, एक डेमोक्रेसी के थ्रू एक लीडर बने। तो यही दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, बहुत सारे खर्चे हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की जाने अब यूएस क्या सोच रही है, एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहती है अफगानिस्तान के साथ, जहाँ पे उस पीस ट्रीटी के तहत में बोला जा रहा है कि ठीक है, हम आपकी बात मानने को तैयार है। और क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि ठीक है, बहुत खर्चा हो गया, अब शायद नहीं हो पाएगा, अब हम अफगानिस्तान पर नहीं कब्जा कर सकते। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर यूएस इस चीज़ से पीछे ले लेती है, अगर वो अफगानिस्तान से अब बैकआउट कर लेती है, वो क्या चाहती, अब उनके अब पीस ट्रीटी के तहत पे जो तालिबान है उनकी कुछ शर्तें हैं, वो तालिबान चाहती है कि ठीक है, आप अपनी मिलिट्री फोर्सेस हटाओ सारी की सारी, अपनी वेस्ट बैक गवर्नमेंट को हटाओ, ठीक है, और हम यहाँ पर राज करेंगे। तो यूएस अगर इस बात को मान लेती है, ठीक है, उन्होंने एक बारी तो मान लिया, पर दूसरी मीटिंग होगी, अगर यूएस इस बात को मान लेती है तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा इंडिया के लिए भी। अब यहाँ पे अगर यूएस की गवर्नमेंट नहीं आई, वहाँ पे रूल नहीं करी, तो कौन रूल करेगा, तालिबान। आपको पता है तालिबान का ऑब्वियसली अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का कुछ बॉर्डर कहाँ पे है, इंडिया के पास भी है, मतलब, और वो POK रीजन में है। तो मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान मिल गए हैं दोनों, तालिबान ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस किससे है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान, और फिर जम्मू एंड कश्मीर को वो बहुत बुरी तरह से अटैक कर सकते हैं, बेसिकली पूरे इंडिया को ही अटैक कर सकते हैं। तो अगर वहाँ से हट जाती है यूएस गवर्नमेंट, तो ये बहुत सारी बाकी के जितने भी नेशन हैं बॉर्डर कंट्रीज को बहुत बड़ा यहाँ पे
टेररिज्म बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फैल जाएगा, ठीक है, टेररिज्म बहुत बुरी मात्रा में यहाँ पे फैल जाएगा इंडिया में भी। तो यहाँ पे आप एक बारी पढ़ लेना इस टॉपिक को। और यूएन जब रोहिंग्या उस पर आओगे, रोहिंग्या वाले टॉपिक पे, तो बेसिकली इंडिया को एक रिपोर्ट सबमिट करने को बोला है कि आपने इंटरनेशनल लॉज वायलेट करे हैं, आपने अपना फंडामेंटल राइट वायलेट किया है 21 राइट टू लाइफ और फंडामेंटल ड्यूटी 51 सी वो भी वायलेट करी है, तो उसके लिए आखिर आपने रोहिंग्या लोगों को किस प्रकार से, किस मुद्दे से आपने अपने देश से बाहर निकाला, हमें इसका रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो यूएनएचसीआर है, वो कन्वेंशन है, यूएन मांग रही है इसके बेसिकली मुद्दे मांग रही है, राइट। सो आई होप आप सभी को पहले समझ में आया हो, एंड अगर नहीं आया है तो मुझे बताओ क्यों नहीं आया है, ठीक है। सो आई हैव डन माई एवरी थिंग एंड माई ऑल एफर्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आज हमने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करे हैं, ठीक है, एक भी मैंने ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा हो आपके लिए। सो अब आपको न्यूज पेपर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, राइट। आई कैन गारंटी यू, अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चंस ऑल्सो टुमारो एंड आज का, क्योंकि ट्यूजडे का जो पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेंदी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिला। हम मिलेंगे कल, राइट। सो अगर आपको अच्छा लगा है, एफर्ट थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी समझ में आया, कुछ नया जानने को भी मिला है, आई नो कि मेरे लिए भी इसमें एक दो चीज़ें बहुत नई थी, एंड अगर आपको नया कुछ जानने को मिला है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है लेक्चर, बिकॉज आई एम ऑल्सो गिविंग माई ईच एंड एवरी एफर्ट टू यू गाइज, बिकॉज ऑब्वियसली एक एडिटोरियल के लिए आई नो हाउ मच एफर्ट इट टेक्स टू वेक अप अर्ली, अंडरस्टैंड द टॉपिक, उसकी हिस्ट्री जानना कि आखिर हिस्ट्री क्या चल रही है, उसका प्रेजेंट सिनेरियो जानना, एंड देन आफ्टर दैट टू डिलीवर इट टू यू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। सो आई नो सम पीपल, बजाय इसके भी सम पीपल वॉन्ट्स टू डिस्करेज, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, मतलब मैं उनके बारे में बात करना नहीं चाहती, बट येस जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं सिंसियर हैं, हम कल मिलेंगे और मैं चाहूँगी आप अच्छे से पढ़ो और जितने भी नॉलेज आप गेन कर सकते हो आप नॉलेज गेन करूँगा, एंड वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 9 AM। PDF आपको डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। सो वी विल मीट टुमारो एट 9 AM। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.